आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल्स के कुछ अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पेड़ पर ये जो कीड़ा देख रहे हैं इसका नाम है सिकाड़ा इंसेक्ट। हिंदी में इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि झिंगूर, सलवा, रैया। यह कीड़े अपना अधिकतर समय जमीन के नीचे रहते हैं और करीब 10 से 15 साल में एक बार ये जमीन से बाहर आते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो ये अक्सर जमीन के बाहर आ जाते हैं और आसपास के पेड़ों पर बैठ जाते हैं और अपने अंदर से अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। ये आवाज़ मैं आपको सुनवाता हूँ। अपने शरीर से ज़्यादा देर तक आवाज़ निकालने से इनका शरीर फट जाता है और ये जब मरते हैं इनकी बॉडी में से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिट्टी को मिलता है, जिससे पेड़ पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इस बर्ड का नाम है हूपू। इसको और नामों से जाना जाता है, जैसे कि हूपू, हुदहुद, कठफड़वा। यह इसराइल का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सर पर किसी राजा के मुकुट की तरह पंख लगे होते हैं। इसकी चोंच लंबी और मुड़ी हुई होती है, जिससे ये लकड़ी के अंदर अपना घोंसला आसानी से बना लेते हैं। पेड़ और जमीन में छिपे कीड़ों को भी आसानी से अपना भोजन बना लेते हैं। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में इस पक्षी को खास महत्व दिया जाता है। अगर ये पक्षी अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो ये धूल या रेतीली मिट्टी में नहाना पसंद करते हैं। ये जो कीड़ा आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश में नाम है प्रोटेटिया बीटल और लगभग इसकी 300 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। इनके दांत कैंची की तरह काम करते हैं। अगर इनका झुंड सब्जी के बगीचों में पहुंच गया तो वहां पे जितनी भी सब्जी की कोमल टहनियां, फूल और कलियां होंगी उसे ये आसानी से खा जाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। बट थाईलैंड जैसे देशों में लोग इन्हें खाते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इस पक्षी का नाम है ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन और ये बांग्लादेश का राष्ट्र पक्षी है। वहाँ की करेंसी नोट पर इसकी फोटो लगी होती है। ये पक्षी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। अगर ये किसी वस्तु को छुपाते हैं तो याद रखते हैं इन्होंने कहाँ छुपाया था, फिर से दोबारा उसे ढूंढ लेते हैं। और ये भोजन में कई तरह के भोजन खाते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, मरे हुए जानवर, फल, बीज और सब्जियाँ। इनका कलर सफ़ेद और काला होता है और ये अपने गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। शाम ढलने के बाद ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है पीला ततैया और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलो वास्प। ये ततैया अपना घर बनाने के लिए फाइबर को इकट्ठा करती हैं और ये ततैया फाइबर इकट्ठा करती हैं प्लांट और वुड से, फिर अपने स्लाइवा को उसमें मिक्स करती हैं और अपना एक घोंसला बनाती हैं जो कि हेक्सागोनल शेप में होता है। और फिर वहीं पर ये अपने अंडों को देती हैं। जो इनका घोंसला होता है वो वाटरप्रूफ होता है। ततैया का जो डंक होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ये एक बार जब आपको डंक मारती हैं तो उसी में कई बार ये आपको डंक मार देती हैं। वहीं पर मधुमक्खी जो होती हैं वो आपको एक बार डंक मारती हैं, बट ये जो ततैया होता है ये एक बार में कई बार आपको डंक मार देता है। जो मेल ततैया होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 12 से 25 दिन के बीच की होती है, बट जो क्यून फीमेल होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ऊपर होती है। ततैया इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं क्योंकि जो फसल के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो फसल को नाश कर देते हैं, ये जो ततैया होता है उन ऑर्गेनिज्म को खा जाता है और ये फसल को नुकसान होने से बचाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है ड्रैगन फ्लाई। लगभग 3000 से अधिक प्रजातियां इसकी मौजूद हैं। ये काफ़ी तेज और फुर्तीले होते हैं उड़ने में। ये आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई की जो आँखें होती हैं इंसान से काफ़ी तेज होती हैं।
क्योंकि जो इनकी आईज होती है वो 360 डिग्री का व्यू देती हैं। अप्रोक्स 200 इमेज पर सेकंड ये देख सकते हैं, बट इनका वन ब्लाइंड स्पॉट होता है बिल्कुल डायरेक्ट इनके हेड के पीछे, क्योंकि इनकी आंखों पर हजारों लेंस लगे होते हैं जिससे ये काफी तेजी से देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई आपको अक्सर तालाब और जो नहर के किनारे और जैसे कि बारिश के मौसम या क्लाउडी डेज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पुराने समय में ड्रैगन फ्लाई का जो चित्र होता था वो मिट्टी के बर्तन, रॉक पेंटिंग, मूर्तियों और आभूषणों पर किया जाता था। जापान और चीन में ड्रैगन फ्लाई को चिकित्सा के रूप में यूज किया जाता था और वहीं पर इंडोनेशिया में इसे भोजन के लिए पकड़ा और मारा जाता था। जापान में इसे साहस, शक्ति और खुशी का प्रतीक माना जाता है।